जितने भी आरएसएस के लोगों को समझाने की जरूरत है, ये ऐसा ना करो, देश बर्बाद हो रहा है, आपने देश सारा डुबो दिया और ना डुबाओ। तर मंतर पे पहुंचते हैं और अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। इसी एहतजाज के अंदर आज दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और हम पूछना चाहेंगे, भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो इस वक्त आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई लिंचिंग हो रही है और दिल्ली के अंदर खास तौर से बात है कि अब दिल्ली के अंदर भी लिंचिंग होना शुरू हो गई, क्या कहना है आपका और कहाँ तक ये प्रोटेस्टों को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्या इंसाफ भी मिलेगा? मैं मोदी सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि ये नफरत के बीज बोना बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। जो माइनॉरिटी को तुम आतंकवादी कहलाना शुरू कर रखा है, ये गलत बात है। माइनॉरिटी आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तुम पैदा कर रहे हो यहाँ पर, आतंकवाद तुम्हारी तरफ से हो रहा है। क्योंकि आप ये देखो, माइनॉरिटी वाले जो सबर करके बैठे हुए हैं, कोई 50 आदमी 100 आदमी एक को घेर के मारते हैं, ये अच्छी चीज नहीं। आतंकवादी तुम बने हुए हो, अरे मुसलमान तो माइनॉरिटी तो आतंकवादी नहीं, माइनॉरिटी देशभक्त बना हुआ है। आज वो देश की व्यवस्था खराब नहीं करना चाहता झगड़ा करके, वो गुस्सा सब जानते हैं, झगड़ा करना सब जानते हैं, लेकिन वो देश का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते, इसे कहते हैं देशभक्त। असली देशभक्त ये मुसलमान है। इस तरीके से अभी दिल्ली के, पुरानी दिल्ली का मामला देखा जाए, कारी ओवैस का अगर मामला हम देखते हैं, मैं देश की पुलिस से और दिल्ली की पुलिस से ये कहना चाहता हूँ, भाई आप समाज को देखो, आप आरएसएस के कहने पे ना चलो, ये आरएसएस के कहने पे चल रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले, और देश की जो पुलिस है वो सारी आरएसएस के कहने पे चल रही है। आप ये देखो कि दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक के अंदर ये मॉब लिंचिंग हुई है, ये दिल्ली पुलिस उसके ऊपर 302 भी रजिस्टर नहीं कर रही थी, जब जाके लोग ना पूरी रात वहाँ पर इकट्ठे हुए, जब जाके वहाँ पर 302 बनी, ये क्या कर रहा है? ये दिल्ली पुलिस भी ये नहीं जानती, ये जनता की पुलिस है, ये जनता की चौकीदार है, ये आरएसएस की चौकीदार नहीं है, आरएसएस पे चलने वाली चौकीदार नहीं है। आरएसएस, मैं यही दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के कहने पे ना चले, देशभक्त बने और पब्लिक को, गरीबों को संभाले, गरीबों का ध्यान रखे, उसके लिए ही तुम्हें दिल्ली पुलिस में या पुलिस के अंदर आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो देश के लोग देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने पुरानी दिल्ली कोतवाली चांदनी चौक पर इत्तेहाद दिखाया, क्या इसी तरह इत्तेहाद दिखाने की जरूरत है हर मामले? बिल्कुल एक होने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस मामले में सबको एक होने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे कारोबार नहीं चलेंगे, कोई एक व्यापारी बिहार से चल के आता है यहाँ पर एक हिंदू भाई की दुकान के ऊपर और अपना अपनी कोई चप्पल लेने आता है, कोई कूलर लेने आता है, कोई कुछ लेने आता है, ये सब यहाँ पर सदर बाजार के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, कोई मुसलमान आता है, कोई हिंदू आता है, कोई ऐसे कोई व्यापारी आएगा और तुम उसको पीटने लग जाओगे, ऐसे कारोबार नहीं चलेगा, देश पीछे होगा। ये मोदी को समझाने की जरूरत है, ये जितने भी आरएसएस के लोगों को समझाने की जरूरत है, ये ऐसा ना करो, देश बर्बाद हो रहा है, आपने देश सारा डुबो दिया और ना डुबाओ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।